आपको ऐसी चीज़ बनाना सिखा रहा हूँ जिसको खाने के बाद आप पिज़्ज़ा को भूल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 500 ग्राम बीफ का गोश है, इसको हमने इस तरह काट ली, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब इसकी मैरिनेशन करते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रहा हूँ, 7 हंसबे सही का नमक, जितना आपने डालना डाल सकते हैं। चीज़ों की क्वांटिटी लिखी भी आ रही है, आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ऐसे रख देंगे ताकि इसके अंदर जो मसाले डाले हैं वो अच्छी तरीके से जज्ब हो जाए। तो गाइस, अब मिलते हैं आधे घंटे के बाद। वेलकम बैक गाइस, हमारे जो बीफ है वो अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम इसको फ्राई करते हैं जल्दी से। इसके ऊपर पैन रखते हैं चूल्हे के ऊपर। अब हम लोग फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। अब हम लोग बीफ पैन के अंदर डाल के इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। सारा डाल देंगे। अब हमने इसको 10 मिनट तक कुक करना है अच्छी तरीके से। जितनी देर में ये बीफ कुक हो रहे हैं, हम लोग तब तक अपनी जो सब्जी है इसको हम लोग कुक कर लेते हैं। इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं दूसरे चूल्हे में। अब इसमें हम लोग ऑयल डालेंगे। अदरक और लहसुन थोड़ा सा पेस्ट है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसके बगैर भी आप फ्राई कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। मैं सारी सब्जी इसमें एक साथ डालूंगा। इसको मिक्स करेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम लोग इसमें पैन रख लेते हैं, वही वाला पैन है जिसमें मैंने बीफ फ्राई किया। अब हम लोग इसमें बटर डालेंगे 1 खाने का चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, ये कितना है। अब हम इसको मिक्स करते हैं। इसको मीडियम हीट में हम लोग भूनेंगे ताकि ये जले ना, इसको मुसलसल चमचा फिराते रहना। अब हम लोग इसमें डालेंगे दूध दोबारा। इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम लोग इसमें डालेंगे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं बाकी की चीज़ें। ये हमारे पास चाटर चीज़ है और ये मोजरेला चीज़ है। आप जितनी मर्जी डालना चाह सकते हैं डाल दें। उसको मिक्स करना। अब हम इसमें डाल रहे हैं स्पाइसेस। ये हमारे पास व्हाइट पेपर है, हाफ टी स्पून हींग डालेंगे।
नमक हसबे जायका, काली मिर्च हाफ टी स्पून और मिक्स करेंगे। ये देखें जो हमारी वाइट सॉस थी वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम कर देते हैं चूल्हा बंद और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने पानी बॉइल करने के रखा हुआ, अब हम इसमें डालेंगे अपना पास्ता। ये मैं इसमें हाफ पैकेट डाल रहा हूँ। इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। जब ये बॉयल हो जाएगा फिर हम लोग इसको निकाल के स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखें गाइस हमारी जो मैक्रोनीज हैं वो बॉयल हो गई हैं। गाइस जो हमारी सारी चीज़ें हैं वो हो गई हैं तैयार। बैटर न्यूट्रल ले लिए। सबसे पहले हमने इसमें डालने हैं मैक्रोनीज, उसके ऊपर हम लोग डालेंगे इसमें गोश्त। अब हम लोग इसमें प्याज और टमाटर डालेंगे। ये हम लोग कच्चा डालेंगे, टमाटर डालेंगे, वेजिटेबल डालेंगे आधी आधी। अब इसमें डाल रहे हैं हम लोग वाइट सॉस। इसमें हमने अब वाइट सॉस लगा दी। अब हम इसमें वेजिटेबल डालेंगे जो बची हुई थी। ये देखिए गाइस हमने इसके ऊपर बाकी की भी वाइट सॉस डाल दी है। अब इसको हम लोग बेक करेंगे। तो हम इसको ओवन में रखेंगे। गाइस हमने इसको 180 डिग्री में बेक करना है 15 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। चलें गाइस हम लोग अपने पिस्टैशियो को देखते हैं, वो बन के तैयार हो गए। ये देखिए कितने मज़े का बना। अब हम लोग इसको निकालते हैं डिश में, फिर आपको बताते हैं टेस्ट करके ये कैसा बना है। आई लव इट।